आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चौंका देने वाली चीजें दिखाएंगे जिन्हें शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा होगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। वैसे शायद ही किसी ने सोचा होगा कि शेर भी दरवाजा खोल सकता है, लेकिन आज के जमाने में हर कोई स्मार्ट बन गया है तो ये कोई नई बात नहीं लगती। इसी तरह का एक और इंसिडेंट एक दूसरी जगह भी हुआ था, जहां एक फैमिली सफारी के लिए निकली थी और एक भालू उनकी गाड़ी के काफी करीब आ गया था। पहले तो वो लोग उसकी फोटोज क्लिक कर रहे थे, लेकिन बाद में वो भालू गाड़ी के बहुत ही करीब आ गया और उसने देखते ही देखते गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर बैठे आदमी ने फौरन ही गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और वो लोग वहां से खिसक गए, नहीं तो ये लोग काम से गए थे समझो। जंगली जानवरों में शेर सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर माना जाता है और इनके करीब जाने से क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह या फिर पार्क्स है जहां आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं और इन्हें करीब से देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कई रूल्स और सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि आप सेफ रह सके, जिसमें शेरों के करीब नहीं जाना होता या फिर उन्हें खाना नहीं खिलाना और गाड़ी के दरवाजे हमेशा बंद रखना, ऐसा भी रूल शामिल है। एक फैमिली जब ऐसी ट्रिप पर गई थी तो उन्होंने अपने दरवाजे तो बंद रखे थे लेकिन उन्हें लॉक नहीं किया था। तभी अचानक एक शेर उनके बहुत करीब आ जाता है और अपने मुंह से गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। Oh no! इसे देखने के बाद गाड़ी में बैठे सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग फौरन ही दरवाजे को वापस से बंद कर लेते हैं, वरना अगर वो शेर गाड़ी के अंदर आ जाता तो ये उनके लिए जानलेवा गलती साबित हो सकती थी। कहीं भी जब कोई हादसा होता है तो सबसे पहले रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। ये हाईली ट्रेंड लोग होते हैं जिन्हें हर सिचुएशन को संभालने की ट्रेनिंग दी गई होती है, लेकिन अभी इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो इससे थोड़ा अलग है। एक रेस्क्यू टीम काफी मेहनत कर रही होती है ताकि ये दरवाजा कट किया जा सके और वो लोग घर के अंदर जाकर लोगों को बचा सके। काफी मेहनत के बाद जब वो दरवाजा टूट जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके पीछे कोई रास्ता होता ही नहीं बल्कि एक दीवार होती है। इतने देर से ये लोग एक नकली दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा घर का दरवाजा आखिर किस इंजीनियर ने बनाया होगा और किस काम के लिए बनाया होगा। सच में ऐसे इंसिडेंट्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। किसी भी जानवर को सताना बहुत ही गलत बात होती है और खासकर जब वो सो रहे हो, लेकिन इस आदमी को यह बात शायद पता नहीं थी या उसे ज्यादा समझ ही नहीं थी। वीडियो में दिख रहा यह इंसान ताइवान के एक जू में एक पांडा के केज के अंदर उतर जाता है जब वो सो रहा था। इस आदमी के आने की वजह से वो पांडा जग गया और उसने उस आदमी को पकड़ लिया, जिसके बाद वो आदमी कई बार पांडा की पकड़ से निकलने की कोशिश करता रहता है लेकिन वो पांडा उसे बिल्कुल भी कहीं जाने नहीं देता। कई बार कोशिशें करने पर आखिर में वो आदमी उसकी पकड़ से छूटकर वहां से भाग निकलता है और इसके बाद शायद ही वो आदमी ऐसी कोई बेवकूफी करने की कभी सोचेगा भी। सच में लोग भी क्या क्या बेवकूफी कर बैठते हैं। वीडियो में दिख रहा ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से लगभग गिरने ही वाला था और इस वीडियो को देखकर हर कोई कहेगा कि अब इस ट्रक को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी गिरने वाला ट्रक अचानक फिर से सीधा हुआ। इसे आप एक अजूबा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे इसका क्रेडिट हमें उस कमाल के ट्रक ड्राइवर को भी देना चाहिए। आपने कई बार अलग अलग जगह फायरवर्क्स और आतिशबाजी या देखी होंगी, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं उस तरह की फायरवर्क्स शायद ही आपने कभी देखी होगी।
इन पटाखों के बारे में पता चलने से पहले लोग इन्हें कुदरत का एक करिश्मा की तरह मानते थे, वही कुछ लोग इसे आज भी यही मानते हैं। भले ही ये एक फायरवर्क्स हो, लेकिन देखने में बहुत ही असली और कमाल की सीढ़ियां लगती है जो आसमान की तरफ जा रही है। लेकिन सच बताओ तो मैंने भी आज तक कभी ऐसे टाइप के पटाखे या फिर रॉकेट्स दिवाली में कभी उड़ाए नहीं। तो आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ पर मौजूद है ये समझ नहीं आता। आपको कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताना।